अस्सलामु अलैकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज। सरकारी मुलाजमीन के लिए आज अहम तरीन खुशखबरी, जिसके इंतज़ार में पिछले 2 महीनों से मुलाजमीन इंतज़ार में थे कि ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा भी या नहीं, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा। तो बहरहाल ये सारी बातें डिस्कशन में चलती रहीं, गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर आई, फिर चेंज हुई, ये आपके सामने है जो म्यूज़िकल चेयर पंजाब में चलती रही। तो लेकिन अब इसका नतीजा ये निकला है कि आज की तारीख में जो अकाउंटेंट जनरल हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने बाकायदा से एक कोड इशू कर दिया है सरकारी मुलाजमीन का, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। तो अब इस कोड इशू होने की खुशखबरी में अब ये तमाम सरकारी मुलाजमीन बहरहाल मुतमैन हो जाएं कि इनको जो 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का ऐलान किया गया था, उसको कोड बाकायदा से अलाट हो गया है। ये पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को अब ये तकरीबन मार्च से मिलेगा, और इस तरह जिन लोगों को पहले से मिल रहा है तो साफ ज़ाहिर है उनके लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो ऐलान किया गया था बजट में, लेकिन अब तक वो नहीं मिला, यानी जुलाई की तनख्वाहों में भी उसको शामिल नहीं किया गया। तो बहरहाल देर आया दुरुस्त आया, अब ये ये हमारे सामने नोटिफिकेशन आज हम देख रहे हैं कि इसको जो A01-24T स्पेशल अलाउंस 2022 इसका नाम दिया गया है, और ये बाकायदा से मोहम्मद यूनस चौधरी के दस्तखत मौजूद हैं, अकाउंटेंट ऑफिसर्स हैं वो, और इसी तरह से आज की तारीख भी यहाँ पर मेंशन है 3/8/2022। इसका मतलब ये है कि अब ये सरकारी मुलाजमीन को जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है वो इसी माह से मिल जाएगा, जो बकाया जात हैं वो भी मिलेंगे। लेकिन अभी तक इस बात में कन्फ्यूजन बाकी है कि ये 15% जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, क्या ये रनिंग पे मिलेगा या इनिशियल बेसिक पे मिलेगा। दोबारा इसकी तफसील आने वाले वक्त में ही पता चलेगी, तो जितना मज़ीद क्लैरिटी आएगी तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको इसी चैनल के ज़रिए से वो भी आगाह की जाती रहेगी। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।